हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। यूपीएसआई 2021 रिजल्ट का इंतज़ार। अभ्यर्थी इस गर्मी में दौड़ दौड़ कर थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, लेकिन रिजल्ट का अता पता नहीं चल रहा है। रिजल्ट कब तक आएगा? आज की वीडियो में हम आपको एक सटीक जानकारी देने की बात कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है भर्ती बोर्ड से, एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कि जब जनवरी में ही आपका DVPST के लिए जो जिलों में जो है डाटा भेज दिया गया था कि 20,000 अभ्यर्थियों को DVPST में पास करके इनसे DVPST किया कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से समस्या ये हो गई थी कि इलेक्शन की घुफड़ा हो गई थी और सभी अधिकारियों की जो है ड्यूटी कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले में लग गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा उधर डिले हुआ था। आपका परिणाम जो है पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है, लेकिन समस्या कहाँ पे आ रही, देखिए क्यों डिले हो रहा है, आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए, हाई कोर्ट में एक दो जो केस हैं वो पेंडिंग है, किससे संबंधित? इसी UPSI से, भर्ती से संबंधित, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा अभी तक जो भर्ती बोर्ड था, भर्ती चयन बोर्ड था, वो क्या था कि इस पर पूरी जानकारी जुटा रहा था कि क्या वास्तव में अगर ऐसी कुछ चीज़ें हुई थी, गड़बड़ी हुई थी, तो अभी उसको सॉर्ट आउट करके जिन अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी की थी उनको रिजल्ट से बाहर कर दिया जाए, ठीक है, जिससे कि बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। या जो लोग अधिक नंबर पाए हैं, जो लोग 150 से अधिक, 150 से अधिक मार्क्स पा रहे हैं, उनके रिजल्ट्स को वीडियो क्लिपिंग की चेक की जा रही है, जिससे कि परिणाम में अगर कोई धांधली हुई हो, जो 150 अधिक मार्क पाए हैं क्या वो फेयरली पाए हैं 160 में 150, या फिर उन्होंने कुछ गड़बड़ी की थी, इन सभी की वजह से थोड़ी सी जो है आप में रिजल्ट में डिले हो रहा है। लेकिन एक अच्छी न्यूज़ है आपके रिजल्ट से संबंधित। देखिए, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही कि आपका जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट वीक तक आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपको 10 अप्रैल के पहले आपका परिणाम जो है आपको देखने को मिल जाएगा। 10 अप्रैल तक आपका जो है UPSI का DVPST का जो है जो रिटर्न एग्जाम था उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा विथ नॉर्मलाइज मार्क्स आपका, ठीक है। और यहीं पे कट ऑफ भी जारी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में हम बार बार बता चुके हैं कि एक बार फिर हम बता दें कि अनरिजर्व की जो है 275 प्लस माइनस 5 आप इसको मान लीजिए, OBC की 270 प्लस माइनस 5 आप मान सकते हैं, EWS की अगर आप मानिएगा तो 265 प्लस माइनस 5, SC की आप 230 प्लस माइनस 5, और ST की आप मान लीजिए 210 प्लस माइनस 5, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी कट ऑफ रहेगी, पूरे चांस है, पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो ये आपका निश्चित है, ठीक है। अब 10 अप्रैल तक आपका परिणाम जो है ये सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी, जो अभ्यर्थी अधिक मार्क्स पाए हैं इन सब की जो है रीचेकिंग हो जाएगी भर्ती बोर्ड की तरफ से एक अंतरिम बैठक के द्वारा, उसके बाद आपका जो है 10 अप्रैल तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। उसके बाद 2 से 3 दिन बाद आपका क्या हो जाएगा, DVPST शुरू कर दी जाएगी, यानी कि मान लीजिए 10 को अप्रैल आया तो ये आप मान लीजिए कि 13-14 से आपका DVPST शुरू हो जाएगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कितने अभ्यर्थी पास होंगे, तो 20,000 के करीब अभ्यर्थी पास होंगे, इसमें हमने बता दिया है। सेकेंड लिस्ट कब तक जारी होगी, देखिए 20,000 अभ्यर्थी हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, 20,000 अभ्यर्थियों में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो है काफ़ी जो अभ्यर्थी हैं 2016 के वो सिलेक्टेड थे, तो वो अब ज्वाइन हो चुके हैं, और काफ़ी इधर AHC RO का रिजल्ट आया है, तो लोग निश्चित तौर पे हाई कोर्ट ही ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे परिणाम हैं जो लोग ज्वाइन इधर उधर कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से इस 20,000 में जो DVPST के लिए करीब 15,000 ही अभ्यर्थी जाएंगे, 15-16,000 के पास अभ्यर्थी जाएंगे। इसके बाद काफ़ी दौड़ ओड़ में बाहर हो जाएंगे कुल मिला के, तो कुल मिला के सेकेंड लिस्ट 20,000 बुलाए हैं, इसलिए सेकेंड लिस्ट जारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। उसमें हो सकता है कि बहुत नंबर नहीं तो 2-3 नंबर आपका घट जाएगा आपका DVPST में, और वो भी डिपेंड करे कितने लड़कों को और बुलाना है। मान लीजिए कि सीट खाली हो गई आपकी, मान लीजिए कि 2,000 अभ्यर्थी शॉर्ट हो गए, तो 4,000 अभ्यर्थियों को बुलाएंगे तो उसके लिए 2-3 नंबर तक ही घटेगी कट ऑफ, उससे ज़्यादा बहुत कम चांस रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया है। उसके बाद हम बात करें सेकंड लिस्ट की, बात करें तो देखिए DVPST हो जाएगी, उसके बाद अगर लड़के 9,500 इनको नहीं मिलते तो आपकी DV सेकेंड लिस्ट जारी हो जाएगी, ठीक है।
DVPST के जस्ट बाद, ठीक है। ट्रेनिंग कब से शुरू होगी? ट्रेनिंग के लिए अगर हम बात करें, आपको अभी DVPST होगी, उसके बाद आपको मेडिकल होगा, ठीक है। मेडिकल के लिए करीब समय लग जाता है 2-3 महीने का। उसके बाद आपका ट्रेनिंग सेंटर खाली है कि नहीं, यदि ट्रेनिंग सेंटर खाली होते हैं तो आपका DVPST और मेडिकल के बाद आप मान लीजिए कि अप्रैल में आपका ये हो गया फाइनल परिणाम, आपका अप्रैल मई में आ गया, मान लीजिए मई में फाइनल परिणाम, आपका जून जुलाई तक में आपका मेडिकल हो जाएगा कंप्लीट, और उसके बाद आपकी जुलाई से ही मेडिकल कंप्लीट होने के बाद वहीं से आपका क्या हो जाएगा, एक लिस्ट जारी हो जाएगी कि आप लोग ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, तो जुलाई अगस्त तक में आप निश्चित तौर पर ट्रेनिंग में ही जाएंगे, अगर ये सब इसी अकॉर्डिंग हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई तो। ट्रेनिंग में पैसा मिलेगा बिल्कुल, हम चाप के पैसा पाएंगे आप लोग, आपको ट्रेनिंग के दौरान भत्ते नहीं मिलते हैं तो 35,000 तो आप कम से कम पा ही जाएंगे, 35-36,000 4200 ग्रेड पे की जॉब है तो ट्रेनिंग के दौरान इतना ही मिलेगा। उसके बाद आपका जो है DA और HRA ये सब तो बाद में मिलते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं है। DVPST में कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग क्वालिफाई होंगे वो अपनी तैयारी जारी रखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डॉक्यूमेंट सारे अभी से तैयार कर लें जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, रनिंग वनिंग आप करते रहिए, थोड़ा सा गर्मी तो बढ़ ही गई है तो उसको थोड़ा सा ध्यान रख के आपको सुबह, और कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा गर्मी में मेंटेन करिए, क्योंकि वहाँ पर आपको सुबह 4 बजे तो दौड़ाएंगे नहीं, 5 बजे 6 बजे, वहाँ तो 8-9 बजे 10 जब रिपोर्टिंग करते हैं तो 10-11 बजे 12 बजे आपको दौड़ा सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप पूरा यहाँ मत दौड़िए, लेकिन ये है कि आप गर्मी में भी करीब 2-3 किलोमीटर की बीच बीच में कोशिश कर लिए, पर डे आप मत करिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में कोशिश करिए जिससे उस दोपहर में चिलचिलाती धूप में भी आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं जब धूप में आप चलते हैं तो एनर्जी लॉस होती है, सुबह की बात अलग होती है, सुबह उठते हैं आपके अंदर जोश रहता है, एनर्जी रहते हैं, तरोताज़ा रहते हैं, वहाँ तक आप जाते जाते दिमाग डिस्टर्ब होगा, बहुत सारे लड़के आपके सामने डिस्क्वालीफाई होंगे, तो डिमोटिवेशन होता है, तो उन चीज़ों को आपको ख्याल रखते हुए आपकी तैयारी दौड़ जारी रखनी चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये रही आपके लिए डिटेल्स में जानकारी, और यदि कोई दिक्कत हो तो आप लोग अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।